उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर बेहद गंभीर कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी का नया ठिकाना अब लखनऊ होगा। इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या होगा? उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गगन मिश्रा ने। प्रियंका गांधी आगे की राजनीति लखनऊ से करेंगी। चर्चा है कि लखनऊ के कॉल हाउस में प्रियंका गांधी अपना नया ठिकाना बनाएंगी। इस बाबत हमसे बात करने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। अच्छा, प्रियंका गांधी लखनऊ में अब आगे की इबारत लिखने की तैयारी कर रही हैं। आप लोग उनको बहुत महत्व मत दीजिए और उनको महत्व देने से पहले उनका इतिहास खंगाल लीजिए। 2017 के विधानसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव में और 2014 के भी लोकसभा चुनाव में उन्होंने पूरी ताकत लगाई थी और उसमें ताकत एक की नहीं, तीन लोगों की लगी थी। प्रियंका ट्विटर वाड्रा जी की, माता जी की श्रीमती सोनिया गांधी जी की और उनके भाई और उस समय कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी की, लेकिन तीनों मिल करके उत्तर प्रदेश में एक सांसद जिता पाई। और श्री राहुल गांधी जी समाजवादी पार्टी से समझौता करके 2017 का विधानसभा चुनाव लड़े थे और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमारी सहयोगी अपना दल से भी कम सीटें हो गई। तो हैसियत तब वहाँ है जब ये तीनों लोग लग करके यहाँ पर चुनाव लड़े। मुझे तो कोई कांग्रेस का भविष्य भी दिखाई नहीं देता। उनके पास कुल फोटो खिंचवाने वाले, अखबार में समाचार छपवाने वाले, टेलीविजन में अपनी खबरें दिखवाने वाले नेता उनके पास बचे हैं। जमीन पे कांग्रेस का कोई काम नहीं। कैसे माना जा रहा है कि जब दिल्ली का जो बंगला उनका सरकारी छीना गया है तो आपने कांग्रेस को मौका दे दिया, प्रियंका गांधी को मौका दे दिया लखनऊ आने का और लखनऊ से राजनीति करने का? मैं कहता हूँ तीनों लोग आ जाएं, मम्मी को ले आवें, अपने भैया को ले आवें, वो स्वयं आ जाएं, तीनों लोग लग जाएं। लेकिन 2022 के जब विधानसभा चुनाव होंगे तो 2017 में जो सपा के साथ मिलकर के वो लड़े थे उससे भी खराब होंगे। तो स्वयं कहती हैं कि सर मैं यूपी की बेटी हूँ, मेरी ननिहाल दादी सब यहीं पे रही हैं, तो क्या मानते हैं कि यूपी के बेटी का प्रभाव कुछ पड़ेगा प्रियंका गांधी का, उसका कुछ बेनिफिट लेंगी? नहीं, उनका ननिहाल तो इटली में है, यहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ की बेटी तो मेरी जानकारी के हिसाब से श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और इनका जन्म मुझे नहीं लगता है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इनका जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। और मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ जहाँ जो मोतीलाल नेहरू जी का या जवाहरलाल नेहरू जी का जो स्थान आनंद भवन वगैरह कहलाता है वहाँ तो ये कभी दिखाई नहीं दी है मुझे, मैं तो वहीं पला बढ़ा हूँ। तो उत्तर प्रदेश में जब प्रयागराज में इनका कोई प्रभाव नहीं, प्रयागराज में एक भी इनका विधायक नहीं है, एक भी सांसद नहीं है, तो बाकी जगह कैसे होगा? अमेठी और रायबरेली को जागीर समझती थी, अमेठी हार चुकी, अगली बार रायबरेली हारेंगी। विधानसभा में अभी कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल प्रियंका गांधी कल लखनऊ आने से बीजेपी में कोई खलबली नहीं है। लखनऊ से कैमरा पर्सन नितिन के साथ गगन मिश्रा, आनंद टीवी, उत्तर प्रदेश।